कंगना के ऊपर एनएसए लगाकर अविलंब उसकी गिरफ्तारी का प्रावधान किया जाना चाहिए और इस पर भी आवाज उठनी चाहिए। तो ये कौन मूर्ख यहां सत्ता पर बैठ गया आकर, जो समय पर कोई फैसला लेता ही नहीं है, सिर्फ नए नए भाषण और प्रवचन सुनाता है और दाढ़ी मूंछ बढ़ा बढ़ा के साधु संत बन रहा। अब जो सरकार के मंत्री थे हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल ये बिल किसान विरोधी है और ये उपभोक्ताओं के भी खिलाफ है। तबरेज के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई, नहीं मानी गई। अखलाक के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई, नहीं मानी गई। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हो गई, सीबीआई जांच नहीं हो पाई, हत्यारा जो है भाजपा का पदाधिकारी बना दिया गया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लोगों को इस पर गंभीर होना चाहिए। और जब पुलवामा कांड हुआ तो पूरे देश के लोगों ने उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दुर्भाग्य से आज तक ये नहीं बताया गया कि पुलवामा में जो जिन गाड़ियों में आरडीएक्स था वो गाड़ी किसकी थी, उसका ओनर कौन था, उसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनएन। आज हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर। सरवर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। अभी हाल ही में एक बिल संसद में पास किया गया है और बताया गया है ये किसानों के हक में है। अगर ये हक में है तो किसान फिर रोड पे क्यों है? बहुत सही सवाल आपने किया है। ये तो सरकार बता रही है कि किसानों के हक में है, दरअसल ये बिल किसानों के हक में नहीं है। और अगर किसानों के हक में है तो सरकार को ये चाहिए था कि वो ये बताए कि उनके ही मंत्री ने फिर इस्तीफा क्यों दिया। जो विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये विपक्ष जो है किसान को वड़गला रहा है या बहका रहा है, तो जो सरकार के मंत्री थे हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल ये बिल किसान विरोधी है और ये उपभोक्ताओं के भी खिलाफ है, क्योंकि इसमें बिचौलिया सक्रिय होंगे, दलाल सक्रिय होंगे, मंडियों का कालाबाजारी अनाज की शुरू होगी। तो ये सब जब कुछ होगा तो रेट जो है वो डिसबैलेंस होगा और उपभोक्ता भी परेशान होंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसलिए सरकार का ये आरोप निराधार है, ये किसान के हित में नहीं है, ये बिल्कुल किसान के खिलाफ है, इसलिए किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कंगना रनौत ने देश के किसानों को आतंकवादी कहा था, तो इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं? कंगना रनौत पर तो सवाल अब उठना ही नहीं चाहिए। कंगना रनौत तो रिजेक्टेड लेडीज ऑफ इंडिया अब उसको नाम दिया जाए, जिसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं, जिसको बोलने की तमीज नहीं, जो पैसे पर बुक होती हो नाचने और गाने के लिए, उसकी कीमत अदा की जाए तो रात भर जो है उसकी बुकिंग होती है कि एक रात के इतने, दो रात के इतने, एक महीने के इतने, एक फिल्म के इतने, एक एपिसोड के इतने। वो औरत इन किसानों के, जो किसान सर्दी में कपकपाती हुई सर्दी में और मतलब पसीने निकाल देने वाली गर्मी में धरती माँ के ऊपर खड़े होकर भारत माँ के सपूतों के पेट को भरने के लिए अन्न उपजाता है, उस पर अगर कंगना टिप्पणी करती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हास्यास्पद है और इसका विरोध जो है वो होना चाहिए। कंगना के ऊपर एनएसए लगाकर अविलंब उसकी गिरफ्तारी का प्रावधान किया जाना चाहिए और इस पर भी आवाज उठनी चाहिए। आज देश की मीडिया सुशांत सिंह की सीबीआई जांच की बात करती है, तो क्या हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए, उसका सीबीआई जांच क्यों नहीं? ये सवाल पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं और जो लोग नहीं जान रहे हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सरहद की रक्षा करने वाले हमारे वो जवान जिनके बदौलत हम लोग चैन की नींद सोते हैं, उनके साथ नित नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं देश में, कभी पाकिस्तान की आड़ में, कभी चाइना की आड़ में हमारे सैनिकों की शहादतें हो रही हैं। और जब पुलवामा कांड हुआ तो पूरे देश के लोगों ने उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दुर्भाग्य से आज तक ये नहीं बताया गया कि पुलवामा में जो जिन गाड़ियों में आरडीएक्स था वो गाड़ी किसकी थी, उसका ओनर कौन था, उसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम था। और अगर उसका ओनर कोई भारत का था तो
तो फिर उसकी गाड़ी वहां तक कैसे पहुंची, इसकी पीछे की कहानी क्या क्या है, किसका इशारा था, किसका हाथ था, ये बात अब तक देश के सामने नहीं आ सकी, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जब पुलवामा कांड हुआ तो पूरे देश के लोगों ने उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दुर्भाग्य से आज तक ये नहीं बताया गया कि पुलवामा में जो जिन गाड़ियों में RDX था वो गाड़ी किसकी थी, उसका ओनर कौन था, उसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम था, और अगर उसका ओनर कोई भारत का था तो फिर उसकी गाड़ी वहां तक कैसे पहुंची, इसकी पीछे की कहानी क्या क्या है, किसका इशारा था, किसका हाथ था, ये बात अब तक देश के सामने नहीं आ सकी, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गोदी मीडिया गले फाड़ फाड़ कर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक नाचने गाने वाला हीरो था, समाज के लिए वो कभी ना आइडियल था, न उस तरह के लोग कभी आइडियल होंगे, उसके लिए सिर्फ तत्काल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, एक जाति को खुश करने के लिए, जो मैंने बार बार उसको इशू बनाया जा रहा है, और यहाँ तक कि उसके लिए CBI जांच हो गई, मांग ही नहीं हुई बल्कि वो मान ली गई, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मान ली गई। तबरेज के लिए CBI जांच की मांग की गई, नहीं मानी गई। अखलाक के लिए CBI जांच की मांग की गई, नहीं मानी गई। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हो गई, CBI जांच नहीं हो पाई, हत्यारा जो है भाजपा का पदाधिकारी बना दिया गया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लोगों को इस पर गंभीर होना चाहिए। सरकार के इस रवैये पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो देश बुरे, बहुत बुरे दौर में प्रवेश कर जाएगा। जवानों की कीमत, किसानों की कीमत जो है वो खत्म करके नाचने गाने वालों को महत्व दिया जा रहा है, इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की स्थिति क्या होगी कि सरहद की रक्षा करने वाले जवान और देश में को देश का पेट भरने वाले किसान आज जो है हाशिए पर डाल दिए जा रहे हैं, और नाचने गाने वाले मतलब लोगों को हीरो और हीरोइन बनाकर पेश किया जा रहा, और उन्हीं को मैंने पूरे दिन भर चैनल पर दिखाया जा रहा, और सरकार उन्हीं के लिए तमाम बातें कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पहली बार इस तरह का देश में हुआ है कि किसानों और जवानों की बातों को छोड़ दो, सिर्फ हीरो और हीरोइन की बात करो, यानी पूरे देश को ये नचाना चाहती है, इसलिए नाचने वालों को ही आइडियल बनाया जा रहा। हाफिज साहब, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, जब देश में 500 से 600 कोरोना केस था तो देश को लॉकडाउन कर दिया गया, आज देश में डेली लगभग 1,00,000 कोरोना केस आ रहे हैं और अब सब कुछ नॉर्मल है। ये भी अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब 500-600 था तो लॉकडाउन ही नहीं उसको कहेंगे, अनप्लान लॉकडाउन था, वो बहुत ही गलत निर्णय था, उससे कोरोना से जो लोग नहीं मर सके वो लॉकडाउन के बाद लोग मरे, भूख से मरे, पैदल चल के मरे, भारत के लोगों ने देखा इसको। लेकिन दुर्भाग्य रोना यह है, अब क्या करेंगे, पत्थर लेकर अपना सर तो फोड़ नहीं सकते, रोना यह है कि इस देश के लोगों के दिमाग में कौन सा गोबर भरा है कि अगर ये बातें आप कह रहे हैं, आप वीडियो जब चलेगा तो आप देखेंगे, लोग कमेंट में फिर भी कहेंगे नहीं मोदी ने सही टाइम पे सही फैसला लिया। अब आप क्या करेंगे, आप बोलिए, बगल में एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान जिसका नाम लेने से लोग देशद्रोही होता है, उसने लॉकडाउन नहीं किया, और WHO ने जिसका अध्यक्ष भारत का हेल्थ मिनिस्टर है, ये भी मैं को बता देता हूँ, अब तो इल्जाम नहीं लगेगा कि WHO ने भेदभाव कर दिया, WHO के चेयरमैन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन है अभी, और WHO ने पाकिस्तान की तारीफ की, उसके कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की, और भारत को लताड़ा, भारत पर हंस रही है दुनिया, भारत पर दांते खिसोर खिसोर कर दुनिया हंस रही है, कौन मूर्ख यहाँ सत्ता पर बैठ गया आकर, जो समय पर कोई फैसला लेता ही नहीं है, सिर्फ नए नए भाषण और प्रवचन सुनाता है, और दाढ़ी मूंछ बढ़ा बढ़ा के साधु संत बन रहा है, और नए नए कुर्ते, नए नए गमछे, रोज नए गमछे, एक दिन में 3 तरह नए गमछे मोदी जी बदल रहे थे, आज भी बदल रहे हैं, रोज 3-4 तरह के कुर्ते, 3-4 तरह की सदरियां, अलग अलग डिजाइन, अब 3-4 तरह का बाल हो गया है, 3-4 तरह की उनकी दाढ़ी हो चुकी है, 3-4 तरह का मोज भी अब रख रहे हो, किसी दिन मोज वो ऐसे भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल ऐसे है, वो ऐसे भी कर सकते हैं, और उसके बाद धोती कुर्ता विचित्र विचित्र ढंग का मामला कर रहे हैं, और देश को कभी थाली बजाओ तो कभी ताली बजाओ तो कभी दिया बत्ती जलाओ तो कभी ये बंद ना करो कभी वो बंद ना करो। अभी एक पोस्टर चल रहा है दिल्ली में, कई जगह पर पोस्टर लगा हुआ, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और क्या कहते हैं एक बहुत बड़े संत स्वामी विवेकानंद प्लस नेताजी सुभाष चंद्र बोस
इक्वल टू मोदी, ये किसी ने लगाया अंधभक्त ने, और उस पर खूब मोदी जी खुश हो रहे हैं कि हम जो है स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों मिला के जो माना बनता है व्यक्तित्व वो मेरा अकेले अब बन चुका है। यानी इस धरती पर भारत में सबसे बड़े अब वही है, जब स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला के बड़े बन गए तो आप फिर उनसे बड़ा तो भारत के इतिहास में कोई हो ही नहीं सकता है। ये भारत के लोग सोचेंगे, बंगाल के लोग देखेंगे कि नेताजी बड़े हैं या ये नेती जी बड़े हैं, ये कौन से नए नेता है, जो जोकरही के अलावा तो कुछ समझ में आज तक 6 साल में आया नहीं है। नए नए कपड़े पहनना आप देखेंगे फिल्मों में ना, तो एक ही गाने में हीरोइन जो है 10 कपड़े बदलेगी, एक ही गाने में हीरो भी 10 कपड़े बदलेगा और गाना एक ही रहेगा, वो सब पर्दे का खेल है। वही हाल है, एक ही दिन के दौरे में अगर बिहार दौरे पे जाए तो 10 कपड़े जहाज पे ही बदल लेते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री। और कपड़ा बदल के इतने महान हो गए, कपड़ा बदल के इतने महान हो गए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद भी इनके कद के सामने बौने हो रहे हैं, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बहुत बुरी स्थिति है और देखते हैं कब युवा जागता है, कब क्रांति आती है, कब ऐसे नेतृत्व से मुक्ति के लिए आंदोलन चलता है, ये अपने आप को समझना।